तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका कूल इंजीनियर्स खबरें फटाफट में। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने फाइबर के पीस को रिपेयर किया था और उसको घिसा था, और घिसने के लिए हम बहुत खतरनाक तरीके की मशीन लेके आए गाइस। ये आपने ना कहीं देखी होगी ना कहीं सुनी होगी, तो ये मशीन के बारे में डिटेल्ड आपको वीडियो में मिलेगा। बाकी बहुत अच्छी मशीन है ना, इसे धूल उड़ती है ना कुछ और। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा था, हमने अपने पीस को वो किया था, घिसा था और रिपेयर किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे पुट्टी भी शुरू कर दिया गाइस। आप देख रहे हो पीस कितना फिनिश लग रहा है, हालांकि ये सिंगल कोट है, इसके आप एक क्लोज लुक भी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये कोट करने के बाद बेसिकली हम इस पर बॉडी फिलिंग करेंगे, क्योंकि बॉडी फिलिंग से मोटे गड्ढे भर जाएंगे और एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आफ्टर बॉडी फिलिंग हम इस पर एक और कोट मारने वाले हैं। तो ये जो पुट्टी हमने शानदार वाली की है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं गाइज। ये है अपनी प्यारी सी एनसी पुट्टी। एनसी पुट्टी गाइज बहुत सही रहती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में। हमने लास्ट जो अपनी बाइक बनाई थी कार्डबोर्ड वाली, उस पर भी वो की थी, आज तक वो नहीं उतरी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और दूसरी चीज़ गाइज, जो अपनी सेकेंड फेयरिंग थी, उसमें हम कुछ अलग तरीके से रिपेयरिंग करने वाला है। रिपेयरिंग क्यों गाइज, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कट्स पे सेंसिटिविटी बहुत कम है पीस की, मतलब ना स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने क्या किया है, जहाँ भी एयर बबल्स थे उन पीसेस को कट कर लिया है। अब यहाँ से आउटर कवरेज करके अंदर से गैप को फिल किया जाएगा, जिससे कि परफेक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग भी होगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। पुट्टी भी हमें कम यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि पुट्टी जितनी कम यूज़ करोगे उतना बेटर रहने वाला है। तो अभी इधर आ जाओ, जो अपने और दूसरे दो पैनल्स थे उनको हमने वाटर में रख दिया है, और इनमें भी काफ़ी सारे जो है एरर्स हैं, तो उनको भी हम रिपेयर करेंगे। जैसे देखो, इसके अंदर जान ही नहीं है, सब मर गए हैं, तो कोई बात नहीं, इनको दोबारा से जिंदा करेंगे गाइज। तो काम अपना बहुत सही तरीके से चल रहा है, तो आप भी ऐसे तरीके से देखते रहिए वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।